मिल रही है। हम सीधे धनबाद का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को प्रभावी किया गया है ताकि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके, संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके। कितना प्रभावी है ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और प्रशासनिक सख्ती? देखिए दीपक, कहें तो जो ये जो स्वास्थ्य सुरक्षा चार, जिसके तहत कुछ पाबंदियां लगाते हुए सरकार ने लोगों को यहाँ राज्य में अपना लगाया है 16 तारीख से, और बगैर ई पास के, चाहे आप किसी भी काम के लिए हो, आवश्यक सेवा को छोड़ के, स्वास्थ्य सेवा को छोड़ के आप किसी भी काम के लिए निकलते अगर हैं तो आपको ई पास एकदम कंपल्सरी है लेना। क्योंकि तो आज मैं खड़ा हूँ इस धनबाद जिला ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लिए, जो प्रमुख जो अनाज मंडी है बरवड्डा बाजार समिति, वहाँ पे देखिए यहाँ की मंडी भी जो कहें तो जिस तरह की व्यापारियों की माने तो ये इसके ऊपर कोरोना का कहर एक तरह से हो गया है। क्योंकि दुकान में कस्टमर नहीं है, ग्राहक नहीं है, लोगों में उस तरह की आपदा भी नहीं है कि लोग आए, डर भी रहे हैं, घर से निकल नहीं रहे हैं। इसके कारण जो अनाज की जो दाम है वो काफ़ी गिर चुके हैं पूरे ऊपर से मंडी। लेकिन तिलहन तेल का जो रेट है वो पिछले साल की तुलना में लगभग डबल हो गया। अनाज मंडी के कुछ चैम्बर के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं, कुछ दुकानदार हैं, कुछ ऑटो वाले हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। लेकिन इसमें इनकी जो एक शिकायत और है दीपक, जो ई पास को लेकर अभी तक दुकानदार लोग ठीक से अवेयर नहीं हुए हैं, जिसके कारण लोग यहाँ परचेज करने नहीं आ रहे हैं। क्या, क्योंकि उन्हें इस बात का खौफ है कि अगर सड़क पर बगैर ई पास के निकले तो उन्हें 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और ई पास बन नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले तो चैम्बर के ही कुछ प्रतिनिधि हैं, अशोक जी क्या लग रहा है ये जो कोरोना का असर है इस मंडी पे कितना दिख रहा है? देखिए मंडी पे कोरोना का असर ये दिख रहा है कि अभी जो ई पास लग गया है, ई पास में जो भी दुकानदार जो हैं वो अपने घर से अपनी दुकान तक का मान लीजिए पास किसी तरह बनवा लिए, लेकिन अब उनको मंडी तक आना है तो उसके लिए फिर अलग से पास चाहिए। वैसी स्थिति में क्या हो रहा है कि वो दुकानदार जो हैं वो मंडी तक आ नहीं पा रहे हैं, तो मंडी में ये फुटफॉल उनका बहुत कम हो गया है और मंडी में इस बार सभी नहीं आ रहे हैं लोग उसके कसर पर। विनोद है यहाँ पे अध्यक्ष हैं, इनसे जुड़ेंगे। विनोद, क्या लगता है जो सरकार ने ये जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चार के तहत कुछ पाबंदियाँ बढ़ाई है, इसको आप संक्रमण के चेन तोड़ने में सहायक मानते हैं या नहीं? देखिए सरकार का प्रयास है संक्रमण के चेन तोड़ने में सराहनीय प्रयास है, लेकिन जो व्यवस्था सरकार के द्वारा खड़ी की गई है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलना चाहिए था। जहाँ तक ई पास का सवाल है, परसों तक ई पास का साइट काम कर रहा था, लेकिन जब कल से जरूरत पड़ा है तो अधिकांश लोगों को यह शिकायत सुनने में आ रहा है और हम लोग भी देख रहे हैं, आज मैंने खुद भी प्रयास किया तो ई पास का साइट नहीं खुल रहा। तो जब जरूरत है उस समय अगर आपकी व्यवस्था काम नहीं कर रही है तो अगर संक्रमण का चेन टूटने के लिए आवश्यक है, लेकिन साथ साथ जो व्यवस्था आप खड़ा कर रहे हैं उस व्यवस्था को काम करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा। इसी तरह से उस व्यवस्था को देखिए, सचिव भी है हमारे साथ विकास। विकास, क्या लगता है जो बाजार में इस बार रेट का क्या स्थिति है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में जो तेल अचानक से डबल हो गया, तो इसके पीछे रीजन क्या है और जो अनाज और दूसरी जो खाद्यान्न पदार्थ हैं उसके रेट नीचे गिरे हुए हैं? आज आप देख रहे होंगे कि खाद्य पदार्थ का जो तेल का इंटरनेशनल मार्केटिंग का इफेक्ट है, ना कि भारतवर्ष में है, पूरे वर्ल्ड में सरसों तेल और पाम, ये दोनों का अचानक बाजार में तेजी आने का क्रॉप कमजोर होना, और इस क्रॉप के चक्कर में क्या है कि लेवाल अधिक है और प्रोडक्शन कम है, मिलों में लेबर काम नहीं कर रहे, कोरोना को लेकर के वापस अपने अपने घर आ गए हैं, मिले बंद, अधिकांश मिले बंद है और खपत का समय था और प्रोडक्शन कम था, इसका भी असर है और इंटरनेशनल मार्केट का ही इफेक्ट है। तेल का जो तिलहन का जो दाम बढ़ा है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय डिमांड बढ़ गया, क्या लग रहा है बाजार में, क्या जो सरकार ने एक पाबंदी लगाई है इस कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए, इसको सही मान रहे हैं या नहीं? हाँ, सही तो मान रहे हैं, कोरोना का चेन तो टूटेगा ही, लेकिन हमारे सामने एक समस्या आ रहा है कि जो ई पास बनाने के लिए ऑनलाइन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा जाम रह रहा है, तो इस वजह से बहुत सारे कस्टमर लोग हैं और ड्राइवर लोग हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि भैया जब भी हम लोग पास जब बनाने जा रहे हैं तो जाम लग जा रहा है, रात को बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, दिन ये थोड़ा समस्या को अगर के कारण कस्टमर दुकान तक नहीं पहुंचे, यही कुछ स्थिति है। ये स्थिति देखिए, सबसे बड़ा लेबर की क्या स्थिति है, मोटिया मजदूर भी बहुत सारे काम करते हैं, लेबर की भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, अधिकांश लेबर इस बार, पिछले साल क्या हुआ था कि बहुत से लेबर कोरोना पीड़ित नहीं हुए थे, लेकिन इस बार बहुत से लेबर कोरोना पीड़ित होने की वजह से वो अपने अपने गांव चले गए,
उसके देखते हुए कहीं ना कहीं लेबर की भी हमारी बाजार में शॉर्टेज है। प्लस अभी जो रिटेलर्स हम लोग को एक शिकायत कर रहे हैं कि भैया जैसे हमने अपने घर से दुकान तक का पास बना लिया और पोर्टल में क्या है कि एक पास बनने के बाद जैसे अगर आपने 7 दिन का पास बनवा लिया उसके बाद दोबारा वो पास आप जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता तो आप आगे और कहीं जाने का पास नहीं बना पा रहे, तो ये सब दिक्कत आ रही है। और जैसे कि थर्सडे को ही मैंने अप्लाई किया था तो उसमें क्या है आधार कार्ड ये सब का फोटो भी खींच के अपलोड करना था, जिसको सरकार ने सुधारते हुए कल और परसों में ये चीज सिस्टम हटा दिया पोर्टल से। बट और सबसे बड़ा जो जैम लगा हुआ है पोर्टल बार बार जो क्रैश कर जा रहा, मतलब एक पास बनाने में 1 घंटा लग जा रहा, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत। और बहुत से जैसे रिटेलर्स है जो अनपढ़ है अनएजुकेटेड है उनको वो नहीं है जिसके कारण नहीं आ रहा है। ये देखिए क्या लग रहा है, ई पास एक बहुत बड़ा कारण है इस मंडी में कस्टमर का नहीं आना? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं समझ में आता कि ई पास बहुत बड़ा कारण है। ई पास पोर्टल से मोटा मोटी जो भी अप्लाई कर रहे हैं सबको मिल रहा है, 7 से 10 दिन की वैधता का मिल रहा है। और जो आदमी खुद से अप्लाई नहीं कर पा रहे, शिक्षित नहीं, वो साइबर से भी निकाल के आ रहे हैं। कोरोना काल है, ग्राहक का आवागमन कम है, लेबर जो संक्रमित हो जा रहे हैं बाहर भाग जा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को व्यापार करने में बहुत कठिनाई हो रही है। क्योंकि लेबर नहीं रहेगा तो व्यापार नहीं होगा, लेबर बहुत कम है और समय की अवधि बाजार खोलने की बहुत कम है। कोई भी एक ट्रक को उतारने के लिए मिनिमम 4 से 5 घंटे का समय चाहिए, और यदि कोई ट्रक आ जाती है तो मान लीजिए समय की अवधि है 4 घंटे व्यापार हो रहा है, 6 घंटा गाड़ी उतारने में लगता है। ये सब तकनीकी समस्या बहुत सा आ रहा है, इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। देखिए दीपक, ये स्थिति है क्योंकि ई पास को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग का ये कहना है कि वेबसाइट जो है वो क्रश हो जा रहा है, सही से ई पास नहीं बन पा रहा, जिसके कारण लोग निकल नहीं रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कोरोना का जो समय है इसको देखते हुए भी ये जरूरी है, लेकिन लोगों को भी ये स्थिति को थोड़ा सा इसमें सरकार को और थोड़ा सा रिलैक्सेशन की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले साल भी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई थी और आवश्यक श्रेणी में आते हैं ये खाद्यान्न। अगर इसके लिए कुछ उचित व्यवस्था स्थानीय स्तर पर जिला स्तर पर अगर व्यवस्था कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकती है। हालाँकि कोरोना का काल है, लोगों को भी समझना होगा कि बचते बचाते हुए ही इसको हम फुलफिल करें, अन्यथा ये संक्रमण बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, तो व्यवसायी वर्ग को थोड़ी छूट दी गई है लेकिन व्यवस्था उस हिसाब से नहीं की गई है जिसके कारण पूरा व्यवसाय वर्ग प्रभावित हो रहा है। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और बेहद जरूरी है, क्योंकि आजीविका भी सरकार की प्राथमिकता है। जीवन बचाना आवश्यक है लेकिन आजीविका बचाने को लेकर भी सरकार प्रयासरत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो व्यापारी हमारे माध्यम से जुड़ रहे हैं हमसे, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस दिशा में जल्द नियमों में कुछ बदलाव करेगी। इसके बावजूद आपसे ये जानना चाहेंगे अरुण कि सिर्फ मंडी पे इस नियम कानून में जो थोड़ी समस्या आ रही है उसका असर पड़ा है या फिर जो खुदरा बाजार है उस पर भी असर पड़ा है? खुदरा बाजार में भी छूट दी गई है कुछ समय अवधि के लिए, तो वहां भी इस तरह की परेशानी आ रही है क्या? देखिए कहें तो कल से ये जो नई व्यवस्था जो स्टार्ट हुई है 1400/4 के तहत जो पाबंदियाँ लगाई गई है और समय भी सीमित कर दिया गया है। पहले 16 तारीख के पहले तक 2 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति थी और 1 घंटा आपको समय मिलता था 3 बजे तक आप अपने घरों में चले जाएं, लेकिन इस बार सरकार ने जो निर्देश दिया है 2 बजे तक ही आपको अपने घरों में लौट जाना है। तो एक तो समय अवधि कम हो गई है, इसके कारण थोक मंडी चूँकि शहर से दूर है और इस यहाँ पे तो थोड़ी परेशानी है, लेकिन जो रिटेल जहाँ हो रहा है वहाँ पे ऐसी समस्या का कम ही देखने को मिल रही है। लोग अपने जरूरत के हिसाब से ही अपने बहुत सारे ऐसा है जो आप होम डिलीवरी की भी सर्विस लोगों ने शुरू कर दी है स्थानीय स्तर पे भी, छोटे छोटे दुकानदार भी हैं तो उनको अगर आप फोन कॉल करके अपनी जरूरत का सामान लिस्ट देते हैं तो आपके घरों तक पहुँचा देते हैं। तो नीचे स्तर पर लोग समझ रहे हैं और उसका सुचारू रूप से तरीके से व्यवस्थित भी हो रहा है, तो रिटेल के काउंटर रिटेल जो दुकानदार है वहां पर अधिक परेशानी नहीं देखी जा रही है। जी चलिए, तो ये अच्छी बात है कि जरूरत के हिसाब से लोग परिस्थितियों को भापते हुए नियम कानून का पालन करते हुए जो सुविधाएं मुहैया कराई गई है उनका लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो समस्याएं जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से लोग विकल्प भी तलाश रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।